हर्षिता हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में है। फर्स्टली आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम एंड एवरीथिंग इज गोइंग वेल। सो बिकॉज टुडेज वीडियो इज होम ओरिएंटेड और हम सब लोग घर पे बैठ के थोड़े बहुत बोर हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि हम लोग घर पे फोटोशूट कर ले। नाउ आई एम समवन जो आई एम इनटू दिस क्रिएटिव फील्ड, तो आई कीप ऑन डूइंग स्टफ लाइक दिस। मैं जब बाहर जाते थे हम लोग नॉर्मली, तो हम लोग फोटोशूट बाहर करते थे, बट बिकॉज हम लोग काफी टाइम से घर पे है, तो बिकॉज आई एम इनटू दिस स्पेस आई नीड टू बी क्रिएटिव, एंड मैंने घर पे ही कुछ आइडियाज सोचे और कुछ इसी तरीके से फोटोशूट करने की कोशिश की। सो इफ यू आर ऑल्सो समवन लाइक दैट और यू जस्ट वॉन्ट ट्राई यू नो गेटिंग सम पिक्चर्स ऑफ योर सेल्फ एट होम, तो आप ये सारे आइडियाज यूज कर सकते हैं। नाउ गाइज, फर्स्टली इफ यू आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, आपने मुझे देखा होगा कुछ फोटोज शेयर करते हुए, लाइक फ्रॉम माई बाथरूम, नियर माई फ्रिज एंड सो ऑन। सो इफ यू हैवंट सीन देम, आई एम गोना शो यू देम इन दिस वीडियो एज वेल, बट इफ यू आर ऑन इंस्टाग्राम यू हैव टू फॉलो मी, राइट। सो बेसिकली गाइज, मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने कैसे फोटोशूट किया, एंड आई एम ऑल्सो गोना शो यू हाउ आई एडिटेड अ पिक्चर एंड अ फ्यू एडिटेड पिक्चर्स ऑल्सो। सो स्टे ट्यून्ड, ऑल्सो आई एम गोना शेयर सम मोर आइडियाज इन द एंड। सो या विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। So guys, the very first tip which you can use for photo shoot is the newspaper backdrop. Now, अगर आप Pinterest पे हैं या आप ऐसे ही photos देखते हैं Instagram पे या Google पे, आपने देखा होगा photo shoot ideas for home, at home, तो सबसे पहले आइडिया जो है वो आता है न्यूज़पेपर बैकड्रॉप का। सो न्यूज़पेपर बैकड्रॉप इज रियली रियली ट्रेंडिंग, एंड न्यूज़पेपर के साथ आप बहुत सारे डिफरेंट पोज ट्राई कर सकते हैं। सो एक्चुअली आई थॉट ऑफ डूइंग दिस न्यूज़पेपर शूट, बेसिकली आई डिडंट वांट द वॉल टू गेट स्पॉइल्ड, तो मैंने न्यूज़पेपर को डोर पे, मेरे बेडरूम के डोर पे लगाया, एंड दैट बिकेम माई बैकड्रॉप, एंड देन आई टुक द न्यूज़पेपर। नाउ गाइज, फर्स्ट थिंग इज, आप अगर आप न्यूज़पेपर के साथ शूट कर रहे हैं तो जस्ट हैव अ लिटिल बिट आइडिया इन योर माइंड कि आप क्या पोर्ट्रे करना चाहते हैं। सो यू वॉन्ट टू रीड द न्यूज पेपर, यू जस्ट वॉन्ट टू यूज इट एज अ बैकड्रॉप एंड डू समथिंग एल्स, और यू जस्ट वॉन्ट टू ब्लेंड इन दैट बैकग्राउंड, तो आप ऐसा न्यूज पेपर रैप कर सकते हैं अपने राउंड लाइक अ अटायर, लाइक अ क्लोदिंग आइटम, तो वैसा भी कर सकते हैं। तो यू कैन यूज योर क्रिएटिविटी, आप न्यूज पेपर बैकड्रॉप के साथ क्या करना चाहते हैं, जस्ट हैव दैट थॉट इन योर माइंड एंड अपने लिए एक न्यूज पेपर बैकड्रॉप रेडी कर लीजिए। बेसिकली न्यूज पेपर लगाए दरवाजे के ऊपर, एंड देन आई गॉट रेडी इन टू द आउटफिट विच आई वॉन्टेड टू शूट इन। सो माई कॉन्सेप्ट वॉज अ लिटिल बिट लाइक यू नो, बिकॉज वी आर लॉक्ड एंड वी आर फेसिंग दिस क्राइसिस of corona and all those things, so I was just having some things in my mind ki main mask pehnungi, I want my attire to be something which has a prison kind of effect, so I use the stripes you know on the outfit, so waisa maine outfit chuna and I got ready. And then my brother actually helped me get the pictures clicked. Now, if you don't have anybody who can shoot, you can use a tripod stand. If you don't have that as well, so my friend Arushi has done a video on photoshoot at home without tripod. So she has shown that how you can make a tripod of yourself with the help of glass and some books and all. So you can watch her video. I'll put it in the description box as well. So this is how actually I got ready. And now I'm going to show you the pictures which came out. So guys, basically these are the pictures which came out. I posed with the mask and with the newspaper, without the newspaper and just the mask. तो मैंने वैसे पोज दिया, एंड देन आई ऑल्सो टुक अ ग्लास एंड आई हैड एन आइडिया इन माई माइंड, तो मैं उसको पोर्ट्रे करना चाहती थी। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ इस बैकड्रॉप पे पोज कर सकते हैं, इट लुक्स वेरी नाइस। नाउ आई एम गोना एडिट दिस पिक्चर फॉर यू गाइज, आई हैड पुट अ थॉट इन टू दिस, तो मैं इस पिक्चर को आपको एडिट करके दिखा रही हूँ। द फर्स्ट ऐप विच आई एम यूजिंग एंड द मेजर ऐप विच आई एम यूजिंग इज स्नैपसीड। तो सबसे पहले मैंने इसको यहाँ पे इम्पोर्ट कर दिया है एंड मैंने उसको ऑटो ट्यून किया है, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू एड मच इफेक्ट। एंड देन गाइज, मैं जा रही हूँ डबल एक्सपोजर में। सो गाइज, बेसिकली इस फीचर से आप किसी भी इमेज को ओवरले कर सकते हैं दूसरे इमेज के ऊपर, यू कैन चेंज द बैकग्राउंड एंड थिंग्स विद दिस फीचर। नाउ गाइज, आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द सेम फोटो, द सेम पिक्चर आई हैव सिलेक्टेड, और मेरे को चाहिए कि मेरा हाफ फेस जो है वो उस ग्लास के अंदर फिट हो, दैट्स माई थॉट। सो देख सकते हैं कि मेरी एक्चुअल इमेज और मेरी ओवरलेड इमेज कैसी ही दिख रही है। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन द बैक एरो बटन एंड वहाँ पे व्यू एडिट्स पे आपको क्लिक करना है। आफ्टर यू क्लिक ऑन द व्यू एडिट्स, वी आर गोइंग टू एडिट द पार्ट ऑफ एडिट विच वी हैव डन। मीन्स साउंड्स कॉम्प्लिकेटेड, बट हमने अभी अभी जो डबल एक्सपोजर किया है हम उसको सिर्फ एडिट करना चाहते हैं। सो वील क्लिक ऑन दैट पेंट ब्रश। नाउ दिस, इफ यू सी डाउन द एक्सपोजर, इफ इट इज
0, यू विल बी एबल टू सी योर ओरिजिनल इमेज, जो बैक इमेज थी, और अगर आप इसको 100 पे ले जाएंगे तो आपको आपकी ओवरलेड इमेज दिखेगी, और आप दोनों को एक साथ भी देख सकते हैं, जिस तरीके से अभी मैंने 100 पे लेकर आई वॉन्टेड माई फेस टू बी इन द ग्लास, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू रब द एक्सेस पार्ट गाइज, जो भी मेरा एक्सेस पार्ट है, लाइक आई वॉन्ट द ओरिजिनल इमेज का ग्लास जो है मैंने पकड़ा हुआ है, उस ग्लास के अंदर मेरा फेस फिट होना चाहिए, विच आई विल बी टेकिंग फ्रॉम द सेकेंड इमेज. So guys, now all I have to do is just rub out जो मेरी second overlaid image है, उसके जो भी excess parts है, मुझे सिर्फ मेरा face चाहिए उस glass के अंदर, जो मैंने इसी image से लिया है, वो part मुझे चाहिए, बाकी सब excess जो है, I want to rub it and I want to keep the original image का जो effect है, my hand, the glass का shape, I want everything to be as it is, तो मैं उसके लिए ये rubbing process कर रही हूँ. आप एक्सपोजर में जाके 0 और 100 के बीच में स्विच करते रह सकते हैं, सो दैट यू कैन सी हाउ मच यू वांट द ओरिजिनल इमेज. देखिए, जैसे कि मेरे से यहाँ पे गलती हो गई है, सो आई कैन अगेन गो टू 0, क्योंकि 0 पे मेरी ओरिजिनल इमेज दिख रही है, एंड आई कैन गेट माय हैंड, माय फिंगर्स पोजीशन बैक. ओके, देन आई कैन रब द एक्सेस पार्ट विच इज हियर नियर माय फेस, जो कि सेकेंड इमेज से आ रहा है, वहां पे डार्क था तो मैं उसको रब कर सकती हूँ. अगर मुझे सेकेंड इमेज में से कुछ पार्ट चाहिए जो ओवरलेड इमेज है, आई गो टू 100 एंड देन आई विल ब्रश आउट द फीचर्स, आई विल, बिकॉज आई वॉन्ट टू इनहांस दिस फेस विच इज इनसाइड द ग्लास, आई विल गो टू 100 and again move the brush over that area only. So guys, as you can see, it is like a trial and error. You can keep switching between 0 and 100 exposure to see your original image and the second image. So my idea which I wanted is achieved. Mujhe mera face us glass ke andar chahiye tha. Now I'm just brushing this up and rubbing the excess and getting my face back into the glass. So bas wo refining main kar rahi hu yahan pe. So once you're satisfied with the kind of effect you wanted, you can just click on the tick which is there on the right hand corner, and then if you want, you can add some filters using the Snapseed itself. You can make it black and white, you can use a vintage and so on and so forth. If you want, you can give effects and filters with some other app as well. I have saved it in Snapseed and this is the final image guys, which I have edited little bit using Facetune app, jisse maine pink effect diya hai. Other images are here which I edited using the similar procedure. Kuch ko maine sirf same rakha, keeping the vintage vibe, whereas some I have edited more. So if you want to know how I have edited these images, do let me know in the comment section and I'll do a separate video of them. Moving on to the next idea. Apart from the newspaper backdrop guys, you can actually pose in your kitchen also. Now in kitchen, you can basically open the fridge, which is a very common thing. Many people are doing it. You can open the fridge and sit there and you know, just have some item in your hand, eating item like chocolate or fruits, or have a juice or maybe a glass of wine or something like that. And you can pose with that. Just make sure ki aap स्विच को बंद कर दे, आई मीन फ्रिज को बंद कर दे पीछे से, सो एज टू सेव इलेक्ट्रिसिटी. सो बिकॉज वो पोज हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लेट, यू नो, एंड दैट इज द फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड, यू कैन यूज योर स्लैब, यू कैन सिट ऑन द स्लैब अगेन विद सम ईटिंग फूड आइटम एंड यूर जस्ट ईटिंग, और यू कैन सिट डाउन इफ यू हैव लाइक अ मॉड्यूलर किचन, सो यू कैन यूज दोज ड्रॉज एज द बैकड्रॉप एंड सिट, एंड यू कैन यू नो वेयर सम आउटफिट विच इज वेरी कंफर्टेबल, लाइक आई वॉज वेयरिंग दोज पजामाज नियर द फ्रिज. सो दैट That's another tip. Number 3 is basically to pose in the bathroom. Now this is something which I wanted to do like a lot, and this was basically where I started my thought process of shooting at home started. So I thought ki main jaati hu apne washroom mein baith ke, I'll be reading a newspaper and I'll be shooting that way. So I thought it was quite vintage and quite cool. So if you are okay with that, you can do that way. If you have a bathtub at your home, you can pose in the bathtub also. Technically you don't have to wear your towel and you have to step in the bathtub. No, you can actually wear something which is like very opposite of you know, the bathroom vibe, like a suit for men, or maybe you know, like a gown, a flowy gown if you have, like me also a lehenga or something, and just sit in your bathtub. That's a very very cool pose to try. And I saw Kartik Aaryan do it when I guess the lockdown began. So he was actually stepping out of his bathtub in a suit, so that was very nice and very creative of him. So you can do something like that as well. Number 4 is books. So if you're somebody who loves reading books and have ample of them, okay, so you can pose with the books also. You can hide your face half
stuff and you can pose. You can even keep your books on the bed or maybe, you know, on the floor and lie on them and show that you are reading. Somebody can actually take up like a headshot where you are just looking in the book and your head is there from behind. So you can wear a nice hair accessory and us tarah se aap pose kar sakte hain. Number 5 is to play with the shadows. So if you are near a window and you have the correct amount of light coming, so you can actually use the shadows. You can actually have maybe a cloth or maybe even the grill lines which are there, let them fall on your face and they make a very beautiful picture. So definitely play with shadows, guys. Number 6 is basically to use a paper, a black paper. I used it and all you have to do is just hold it this way, let your face be covered half and, you know, use the half portion to be visible. So that looks very, very cool as a pose. So you can try with a black paper. If you have a mirror which is out of the frame, then you can even use that mirror for posing instead of a black sheet. So yeah, that's about it. These are a few ideas which I had of doing a photo shoot at home. I hope you guys enjoyed it. And if you did, don't forget to give this video a big thumbs up. And do subscribe to my channel. And I'll see you soon. Bye.